खरगोन जिले के भीकनगांव नगर परिषद के निलंबित सीएमओ मोहन सिंह अलावा की बेकाबू कार ने आज 5 लोगों को रौंद दिया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 4 राहगीर घायल हो गए। हादसे में गंभीर घायल कोदला जागीर निवासी रामलाल धनगर की इंदौर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। दरअसल आज सीएमओ अलावा के बेकाबू कार चलाते हुए कुल 5 लोगों को रौंद दिया था। 4 लोगों का भीकनगांव में उपचार चल रहा है। भीकनगांव पुलिस ने सीएमओ को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस हादसे में एक बेकसूर ग्रामीण की मौत हो गई है। ग्रामीण की मौत के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सीएमओ अलावा शराब के नशे में थे। घटना के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस का संयुक्त दल भीकनगांव बस स्टैंड के पास फ्लैग मार्च कर रहा था। बेकाबू वाहन सीसीटीवी में कैद भी हो गया है। सीएमओ का मेडिकल करवा कर हिरासत में लिया है। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। जो है अर्टिगा गाड़ी में जो कि पूर्व सीएमओ जो थे मोहन सिंह अलावा, वो बस स्टैंड से निकले और बस स्टैंड से राउंड करते हुए काफ़ी फल के ठेले को, कुछ मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए जो है गाड़ी को घुमाते हुए आगे शनि मंदिर तरफ ले गए, जहां पर और भी 2-3 लोगों को टक्कर मारी। उसके बाद गाड़ी का टायर फटने के बाद गाड़ी रुक गई, गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हो गई। चूँकि उस समय जो है पुलिस फोर्स भीकनगांव द्वारा एवं RAF के बल द्वारा जो है मौके पर ही उसी समय जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा था, तो तुरंत पुलिस ने अपना मोर्चा संभालते हुए जो है जो भी घायल है उनको भी अस्पताल पहुंचाया और संबंधित जो गाड़ी टकराई थी उनकी गाड़ी को भी जो है राउंड अप किया गया और जो भी घटना दुर्घटना थी और आने वाली जो भी थी उसको संभाला गया। और अभी करीब इसमें जो है 5 लोग घायल हैं, जिनमें से एक राजा राम है, वो जो कि कोदला जागीर के हैं, वो काफ़ी गंभीर है, उनको खरगोन अस्पताल रेफर किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।